सबसे पहले जो है यह है डेंगू। ओके, अभी डेंगू पहली चीज ये सबको मालूम है, डेंगू किससे फैलता है? डेंगू फैलता है मच्छर के कारण, वो एडिस आगे प्रति करके है, तो उसके कारण ये जो है ये मच्छर फैलता है, एडिस एगिपिया करके है। ओके, अभी नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट चीज जो है इसमें होता है क्या? तो डेंगू में हम लोग का जो प्लेटलेट्स रहता है ये क्या होता है? कम होने चालू होता है। अभी प्लेटलेट्स कम होने के कारण क्या होता है कि अगर आपके बॉडी में एक छोटा भी कट आएगा तो आपके बॉडी से क्या होगा, खून बाहर जाते रहेगा कि आपका ब्लड क्लॉट नहीं होएगा। अगर आपको स्मॉल कट, जैसे कि आप कोम भी करोगे तो आपको कोम करते वक्त एक स्मॉल सर पे भी एक छोटा से कट आएगा तो वहां से ब्लड फ्लो होते रहेगा और वो रुकेगा नहीं। तो ये होता है कि वह ब्लड में प्लेटलेट्स कम होने के कारण। तो सबसे पहले चीज क्या है, ये होता कैसे है? पहले चीज ये क्या है, ये जो पानी क्या रहता है, ये मच्छर लोग क्या करते हैं, पानी क्लीन वाटर में ये होता है। क्लीन वाटर मतलब आपका अगर पानी, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर या फिर एक नॉर्मल फिल्टर का पानी अगर रखोगे बहुत दिन के लिए, तो इसमें ये मच्छर अपने अंडे देते हैं, मतलब ये डेंगू वाला। हाँ बोलो, जस्ट गो ऑन द लेफ्ट साइड, यू सी, जस्ट गो ऑन द लेफ्ट साइड, सॉरी, गो ऑन द राइट साइड, स्वाइप ऑन द राइट साइड, सी अ बोर्ड। सो ये ऐसे टाइप के क्या बोलते हैं, क्लीन वाटर में पाया जाता है। और ये मच्छर कब काटते हैं? सुबह के टाइम, मतलब अराउंड मॉर्निंग टू आफ्टरनून में अगर ये मच्छर आपको काटेगा तो आपको डेंगू होता है। तो पहली चीज, ये सब जरा थोड़ा बहुत नॉलेज था। अभी फर्स्ट चीज क्या है, डेंगू, मस्किटोस ले एग इन वाटर लॉग प्लेसेस एंड देयर बाय देयर पॉपुलेशन इंक्रीज। मतलब क्या, मस्किटोस कहां पे एग्स ले करता है? मस्किटोस ले एग्स इन वॉटर लॉग्ड प्लेसेस। अभी इसका क्या मतलब है कि जहां पे पानी जमा होता है वहां पे क्या होता है, मस्किटोस अपने एग्स देते हैं। हाँ बोलो, आवाज सुनाई नहीं दे रहा क्या किसी को? सुनाई दे रहा है? हाँ ठीक है। तो अभी हम लोग, ओके, तो अभी क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है, दे आर पॉपुलेशन इंक्रीजेस, दे आर पॉपुलेशन इंक्रीजेस। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट है, सबसे पहले डेंगू कौन से मच्छर से फैलता है? तो डेंगू इज स्प्रेड बाय, पहले चीज, ये मच्छर का नाम है एडिस एजिपिया। ठीक है, ये मच्छर का नाम है एडिस एजिपिया। ओके, तो अभी इसमें ये मच्छर के अंदर क्या रहता है, एक वायरस रहता है, इट कैरीज द वायरस, टेन 1/4 वायरस, ये वायरस का नाम है टेन 1। और ये कौन से वायरस के ग्रुप में है? इट बिलोंग्स टू द फ्लैवी वायरस ग्रुप। ठीक है, इट बिलोंग्स टू द फ्लैवी वायरस ग्रुप। दूसरा एक जो बीमारी जो मस्किटो से फैलता है वो है मलेरिया, तो उसका जो वायरस का नाम है वो है पीवी वैक्स। ठीक है, ये फ्लैवी वायरस ग्रुप है। तो अभी इसके सिम्टम्स क्या है? अभी सिम्टम्स है अक्यूट फीवर एंड हेडेक।
अभी इसमें क्या होता है, सबको अक्यूट फीवर एंड हेडेक होता है। आप बोलो। अक्यूट फीवर हेडेक एंड नेक्स्ट क्या होता है, वॉमिटिंग होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है ये है पेन इन आई सॉकेट, मतलब आंखों के एरिया में क्या होता है, बहुत पेन होने चालू होता है। आंखों के एरिया में क्या होता है, बहुत पेन स्टार्ट होता है, ये उसका सेकेंड सिम्टम है। और थर्ड जो है, मैं जरा ऊपर का रब कर रहा हूं, थर्ड जो सिम्टम है, थर्ड सिम्टम क्या रहेगा, डिक्रीज इन प्लेटलेट्स। अभी प्लेटलेट्स क्या करता है, प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉट करने में। ओके, डिक्रीज इन प्लेटलेट्स विच कॉजेस इंटरनल हैमोरेज। हैमोरेज का मतलब क्या है, ब्लीडिंग, मतलब इंटरनल ब्लीडिंग होता है इसमें। ये क्या है, डेंगू के कुछ सिम्टम्स है। पहले चीज, ये मस्किटो का नाम क्या, एडिस एगेटिया, क्या वायरस कैरी करता है, और DEN1-4 वायरस। ओके, अभी ये हुआ लिख के सबका। हाँ ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है, डिक्रीज इन प्लेटलेट्स विच कॉजेस इंटरनल हैमोरेज, मतलब हैमोरेज का मतलब क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग। ओके, अभी है ना कुछ मस्किटोज के बारे में बताया कि मस्किटोस कैसे फैलता है। सबसे पहले लोग ने बताया एक है मलेरिया, मलेरिया का जो मस्किटो का नाम है ये है एनोफेलिस, एनोफेलिस मस्किटो। ओके, नेक्स्ट क्या है, एलिफेंटाइसिस। अभी एलिफेंटाइसिस में क्या होता है, आपके जो लिम्स है, लिम्स में स्वेलिंग आता है। लिम्स क्या होते हैं, स्वेलिंग आते हैं लिम्स में, और ये किससे फैलता है, ये मस्किटो का नाम है क्यूलेक्स। फिर नेक्स्ट क्या है, ये जो है एनोफिलिस मस्किटो, ये क्या है, क्लीन वाटर में, ये क्लीन वाटर में अपने एग्स देते हैं। एनोफिलिस मस्किटो जो है क्लीन वाटर में अपने एग्स देते हैं। क्यूलेक्स जो मस्किटो है ये किसमें, सीवेज वाटर, सीवेज वाटर मतलब गटर का जो पानी रहता है, ये सीवेज वाटर में अपने एग्स देते हैं। ठीक है, मलेरिया और डेंगू का जो मस्किटो का ब्रीड है ये क्लीन वाटर में अपने एग्स देते हैं। और अभी एक और चीज जो है, अभी क्या होता है मालूम है क्या, देखो अभी इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, अंडे, मस्किटोस अंडे कहाँ पे देते हैं, ये मतलब वाटर के इधर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर क्या करते हैं, केरोसिन स्प्रे करते हैं। ठीक है, केरोसिन स्प्रे करते हैं। अभी केरोसिन स्प्रे करने से क्या होता है मालूम है क्या, ये जो एग्स है ये अभी क्या, सरफेस ऑफ द वॉटर पे है ना, ये किधर चले जाते हैं, ड्राउन हो जाते हैं। ड्राउन होने से क्या होएगा, ये जो मस्किटोस जब हैच करेंगे, ये
ये क्या होएगा, पानी के कारण क्या होएगा, मर जाते हैं। लेकिन जब ये ऊपर, जब सरफेस के ऊपर रहते हैं, तो इसको क्या मिलता है, इसको बाहर ऑक्सीजन कंटेंट, मतलब ऑक्सीजन कंटेंट मिलता है। लेकिन जैसे ये डूब जाते हैं क्या होता है, इसका ऑक्सीजन कंटेंट बंद होता है, और क्या होता है, इसका मतलब एग्स जो रहते हैं ये मर जाते हैं, मतलब जो अंदर, जो अंडे के अंदर जो रहेगा वो सब मर जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पानी के ऊपर क्या स्प्रे करते हैं, केरोसिन स्प्रे करते हैं। केरोसिन क्या करता है, ये जो एग्स है उसको क्या करते हैं, ड्राउन करता है, मतलब सिंक करता है। अभी इसके बाद नेक्स्ट, अभी हम लोग 2016 क्या 17 में हुआ था, ठीक है, ये H1N1 वायरस करके था, H1N1 वायरस। ओके अभी नेक्स्ट, अभी इन्फेक्शन इसका होता है क्या, मतलब इसके रीजंस क्या है इन्फेक्शन के। तो स्वाइन का मतलब क्या है, स्वाइन का मतलब है पिग, स्वाइन का मतलब क्या रहता है, पिग रहता है। अभी इन्फेक्शन होता है कैसे है, इन्फेक्शन स्प्रेड्स फ्रॉम पिग्स टू ह्यूमंस। इन्फेक्शन कैसे फैलता है, पिग से ह्यूमंस के इसमें फैलता है। अभी नेक्स्ट क्या होता है, पिग्स के जो सेक्रीशन है, पिग्स, ये मैं जरा बताता हूं, वायरसेस ऑफ, वायरस ऑफ स्वाइन फ्लू, स्प्रेड थ्रू सेक्रीशंस ऑफ नोस, थ्रोट एंड सलाइवा। अभी देखो, सपोज एक जन को स्वाइन फ्लू हो गया, तो क्या होता है, अगर सपोज वो स्नीज किया, कफ किया या फिर स्पिट किया, तो ये वायरस उनके सलाइवा, कफ और जो ये रहता है स्नीज रहता है उसमें रहता है, तो ये वायरस यूजुअली एयरबॉर्न रहता है। अभी इसके प्रॉब्लम क्या है, मतलब इसके सिम्टम्स क्या है। अभी जो फर्स्ट सिम्टम है ये है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, और नेक्स्ट क्या है, सोर थ्रोट, बॉडी पेन। अभी ये जो बीमारी है ये इतना डेंजरस नहीं है, मतलब ये डेंजरस क्यों नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा जल्दी फैलता नहीं है। अभी जो, अभी का जो वायरस है COVID-19, ये वायरस कैसा है, ये बहुत ज्यादा इसका इन्फेक्शन है, मतलब अगर सपोज एक ग्रुप ऑफ 10 लोग है और इसमें एक जन को भी अगर रहेगा वायरस, तो ये वायरस 3 या 4 लोग को फैल जाता है। लेकिन ये जो स्वाइन फ्लू है ये इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, मतलब इससे जो डेथ का जो ये है ये भी कम है एज कंपेयर टू COVID-19, क्योंकि ये ज्यादा फैलता नहीं है। और इन केस अगर सपोज किसी को फ्लू हो भी गया, तो हम लोग को बहुत जल्दी मालूम पड़ता है, मतलब 2 या 3 दिन में ही फीवर आता है। लेकिन अभी का जो COVID-19 है इसमें क्या है, फीवर आने को बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मतलब 7 से लेके 14 डेज, इतना डेज लगता है आपको फीवर आने, तब तक आप क्या करते हो, कंटिन्यूअसली इधर उधर क्या करते हो, फैलाते रहते हो। तो ये प्रॉब्लम है जो अभी का जो वायरस है, और ये इतना सीवियर नहीं था, इसका रीजन वो था क्योंकि ये ज्यादा फैलता नहीं था, और अगर इनकेस फैलेगा भी तो लोगों को मालूम पड़ता है कि उनको स्वाइन फ्लू है करके। अभी नेक्स्ट है इसका डायग्नोस्टिक, मतलब हम लोग को मालूम कैसे पड़ता है कि स्वाइन फ्लू है या नहीं। नेक्स्ट लिखो डायग्नोसिस, अभी इसके डायग्नोसिस कैसा होता है। तो अभी देखो, अभी क्या करते हैं मालूम है क्या,
अभी जो कोरोना वायरस है उसका टेस्ट कैसे होता है, ये लोग क्या करते हैं, एक थ्रोट स्वैब लेते हैं। थ्रोट स्वैब मतलब क्या, एक ऐसा पतला सा एक स्टिक रहता है जिसके एक एंड पे क्या रहता है, कॉटन रहता है। ये आप क्या करते हो, थ्रोट के अंदर बहुत डीप इंसर्ट करते हो, और इस पे क्या आता है, वो जो अंदर का थ्रोट का जो पार्ट पार्टिकल्स है ये इस पे स्टिक होता है। फिर इसको जब चेक करते हैं तभी मालूम पड़ता है कि आपको वायरस है या नहीं। सेम वे सेम चीज हम लोग क्या करते हैं, स्वाइन फ्लू को अगर ढूंढना है, मतलब अगर एक इंसान में स्वाइन फ्लू है या नहीं, ये सेम टेस्ट करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं थ्रोट स्वैब टेस्ट, थ्रोट स्वैब टेस्ट। थ्रोट स्वैब ठीक है, ये इसका डायग्नोसिस है। तो एक्चुअल में स्वाइन फ्लू फैला कब था, स्वाइन फ्लू फैला था 2009 में, मतलब बहुत पहले फैला था, मेरे को लगा कि 3 4 साल पहले। ठीक है, तो स्वाइन फ्लू फैला कब था, बहुत पहले 2009 में, मतलब 10 इयर्स पहले कुछ तो फैला था। और ये हुआ कहाँ था, सबसे पहला केस कहाँ पे था, मैक्सिको में। अभी जरा एक बार इससे जरा गो थ्रू करो, जो हम लोग ने दो डिजीज किए, आपको 4 मिनट दे 5 मिनट देता हूं, जरा गो थ्रू करना, फिर मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा। सेल से, इम्यून सेल्स, इसको हम लोग दूसरे नाम से भी बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स या फिर WBCs। इसको क्या करता है, ये वायरस अटैक करता है। अभी वायरस ये इम्यून सेल्स को जैसे ही अटैक करेगा, आपके बॉडी का इम्यूनिटी क्या होता है, आपके बॉडी का इम्यूनिटी ड्रॉप होने स्टार्ट होता है। तो ये जो प्रोसेस रहता है, इसको होने को नियरली 2 to 3 years लगता है। ओके, ये होने के लिए आपके बॉडी को 2 to 3 years लगता है। तो एड्स आपके बॉडी में कुछ तो 2 या 3 ईयर्स पहले आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, आपके बॉडी में ये वायरस धीरे धीरे करके एक एक जो इम्यून सेल है उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत लंबा रहता है, कभी कभी ये प्रोसेस 10 ईयर्स तक जाता है, अगर एक इंसान बहुत हेल्दी रहा तो। ये प्रोसेस में क्या होता है मालूम है क्या, ये 2 to 10 ईयर्स में जो ह्यूमन बीइंग है वो कभी बीमार होते ही नहीं है, इनको लगता है इनका हेल्थ और परफेक्ट हो रहा है। लेकिन जैसे ये 2 से 10 ईयर्स का पीरियड हो जाता है, ये जो इंसान रहता है इसको नॉर्मल जो बीमारी, ये भी क्या होता है, बहुत ज्यादा फील होता है। मतलब सपोज उसको नॉर्मल कोल्ड भी आएगा, ये जो कोल्ड है यूजुअली हेल्दी इंसान में ज्यादा से ज्यादा 1 वीक में चला जाता है, ये कोल्ड को जाने को नियरली 2 to 3 months लगता है, और ये बहुत सीवियर रहता है। मतलब आपके बॉडी में इम्यूनिटी रहता ही नहीं है कोल्ड के वायरस को मारने में। तो इससे क्या होता है मालूम है क्या, आपके बॉडी में जो डिजीज पहले नहीं होते थे ये धीरे धीरे करके एक एक करके होने स्टार्ट होता है। इसका रीजन क्या है कि आपका बॉडी में इम्यूनिटी लेस है। दूसरा जो चीज है, ये जो वायरस है इसके लिए आज तक कोई वैक्सीन बना नहीं है। मतलब ये आपको हो गया तो इसका कोई क्योर नहीं है, मतलब एक बार आपको होने के बाद इसके लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं है, जस्ट मेडिसिन है। और ये मेडिसिन सिर्फ आपका जो लाइफ टाइम है इसको सिर्फ इंक्रीज करता है बस। ठीक है, अभी सबसे पहले चीज, तो ये होता कैसे है, इट इज कॉज्ड बाय HIV। अभी HIV का नाम क्या है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इम्यूनो डेफिशिएंसी। इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब क्या है कि इम्यून इम्यूनिटी क्या है आपके इसमें कम, इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। और ये वायरस क्या करता है, आपके बॉडी का
इम्यूनिटी को क्या करता है, इम्यूनिटी को लेस करता है। इम्यूनिटी लेस होने से आपके बॉडी में वायरस और बैक्टीरिया का अटैक क्या होता है, बढ़ने स्टार्ट होता है। इन दिस डिजीज विक्टिम सफर फ्रॉम वेरियस डिजीज ड्यू टू वीकनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम, ड्यू टू वीकनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम। आपके बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ये क्या होता है, धीरे धीरे करके क्या होता है, वीक होने स्टार्ट होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, एड्स कैन नॉट बी कंफर्म विदाउट टेस्ट। मतलब आपके बॉडी में आपको अगर वीक फील हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एड्स है, लेकिन अगर आपने जब तक टेस्ट नहीं किया, टेस्ट जब तक नहीं करोगे तब तक आपको नहीं समझेगा कि आपके बॉडी में एड्स है या नहीं। फिर अभी नेक्स्ट क्या है, ये टेस्ट का नाम क्या है, टेस्ट का नाम है एलाइजा। टेस्ट का नाम है एलाइजा, इसका फॉर्म फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड। पहले चीज, सबसे पहले ये कहाँ डिस्कवर हुआ, अफ्रीका में, किसमें, मंकीज में डिस्कवर हुआ है सबसे पहले, अफ्रीका में मंकीज में ये पहले डिस्कवर हुआ। और ये जो है इसको कोई क्योर नहीं है, ये जो वायरस है इसको कोई क्योर नहीं है, ठीक है, इसके लिए कोई। अभी इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इन्फेक्शन थ्रू एनिमल्स। अभी इन्फेक्शन थ्रू एनिमल्स सबसे जो पहले है ये है रेबीज। अभी रेबीज होता है कैसे, सबसे मेन चीज क्या होता है, ये डॉग बाइट से होता है। ओके, ये किससे होता है, डॉग बाइट से होता है। अभी जैसे ये वायरस आपके बॉडी में जाता है, आपको होता क्या है, आपको हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया मतलब क्या, आपको जैसे पानी दिखेगा आपको एक अंदर से डर फील होता है। मतलब अगर सपोज आप पानी पियोगे आप क्या करोगे, उल्टी करोगे, तो आपके बॉडी में एक वाटर का एक इनबॉर्न फियर आता है, ये इसका सबसे मेन प्रॉब्लम। पहले चीज रेबीज क्या, इट इज अ वायरल डिजीज, ठीक है। और कोई इंसान को रेबीज हो जाता है तो उनको क्या होता है मालूम है क्या, वो लोग एक, उनको नियरली डॉग लाइक सिम्टम्स आता है। मतलब वो लोग एक रियल लाइफ डॉग जैसे बिहेव करते हैं, मतलब उन लोग काट सकते हैं, उन लोग का बॉडी का जो मेंटल स्टेट है वो क्या होता है, चेंज होता है। तो ये डिजीज बहुत मतलब डेंजरस है अगर इसको क्योर नहीं किया तो। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इट इज स्प्रेड फ्रॉम द इफेक्ट करते हैं। अब ये न्यूरॉन्स क्या है, आपके जो ब्रेन से, ठीक है, मतलब हम लोग का जो स्किन सेल्स है, हम लोग के बॉडी में जो भी स्किन का जो सेल्स है, ये सब क्या है, न्यूरॉन से कनेक्टेड है। न्यूरॉन्स क्या करता है मालूम है, आपके बॉडी का जो भी एक्सटर्नल सिग्नल्स है उसको कहाँ पे भेजता है, ब्रेन पे। तो जैसे कि आप कोई गर्म ऑब्जेक्ट को टच करोगे, आप थोड़ी उस पर हाथ लगा के बैठोगे, आप क्या करोगे, अपना हाथ झट से खींचोगे। तो ये होता कैसे है, हम लोग जैसे हम लोग को गर्म ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, हम लोग का न्यूरॉन क्या करता है, केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है और किधर भेजता है, ब्रेन पे।
और इस सिग्नल इतना फास्ट है कि आप जैसे मिलीसेकंड्स में आप अपना हाथ हटा दोगे। ठीक है, तो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, न्यूरॉन्स सिग्नल ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं, सिग्नल ट्रांसमिशन। सिग्नल ट्रांसमिशन एक्सटर्नल कंडीशंस को कहां पे भेजता है, ब्रेन के तरफ भेजता है। फिर इसका सिम्टम क्या है, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या है, फियर ऑफ वाटर। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या है, फियर ऑफ वाटर इज वन ऑफ द सिम्टम। फिर नेक्स्ट क्या है, इट इज अ फेटल डिजीज। बहुत डेंजरस है ये, यूजुअली अगर ये क्योर नहीं करोगे तो क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। अभी इसके लिए एक वैक्सीन रहता है, रेबीज का वैक्सीन रहता है, जो क्या करता, मतलब ये यूजुअली हम लोग कितना है डॉग बाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपका जो डॉग बाइट है ये क्या है, बहुत सीवियर है, तो आपका जो इंजेक्शन क्या लेना पड़ता है, बहुत ज्यादा, मतलब 10 to 12 इंजेक्शन लेना पड़ता है। अगर आपको एकदम हल्के से काटा रहे तो आपको 3 to 5 इंजेक्शन लेना पड़ता है। ये यूजुअली एज पे भी डिपेंड करता है, अगर बच्चे लोग रहेंगे तो उनको ये वैक्सीनेशन ज्यादा देते हैं क्योंकि ये ज्यादा उनमें फैलता है, बच्चे लोग में। अभी नेक्स्ट क्या है, सिम्टम्स इसका कब स्टार्ट है, हाँ 5 से 8, 5 से कभी कभी 12 तक भी जाता है, मतलब बहुत, अगर मेरे को भी काटा है तो मेरे को 5 इंजेक्शन था, एक पीछे भागते हम लोग का है, बहुत इसके भी डर लगता है कुत्ते लोग से। तो नेक्स्ट, तू कुछ किया क्या उनके साथ, ऐसे होता है। हाँ, अभी सिम्टम्स कब होता है, नाइस, वहां पे सिस्टर लोग वहां पे इंजेक्शन देता है, वहां पे पेन कम होता है, इसके लिए टेंशन है क्या, किसी और को काटा गया, किसको काटा होता। हाँ, सिम्टम्स कब दिखता है, 90 to 175 डेज के बाद। मतलब ये भी सेम क्या है, ये वायरस को मतलब इफेक्ट लाने को कितना दिन लगता है, 90 to 175 डेज। तब तक कुछ होता भी नहीं है, कोई सिम्टम भी नहीं रहेगा आपको, तो ये मतलब बहुत फेटल डिजीज है आफ्टर डॉग बाइट। मतलब ये जो बीमारी है ये पर्सन टू पर्सन फैलता नहीं, पर्सन टू पर्सन मतलब अगर आप में से किसी एक को होएगा तो ये दूसरों को फैलता नहीं है कोई भी चीज, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन इंफेक्शियस डिजीज। अभी इसका नॉन इंफेक्शियस डिजीज का मतलब क्या है, डिजीजेस विच डू नॉट स्प्रेड, बाय कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड नॉन इंफेक्शियस डिजीज। नहीं, ये अभी पहले हम लोग ने जो किया वो सारे इंफेक्शियस डिजीजेस थे, मतलब ट्यूबरकुलोसिस हम लोग ने चालू किया था ना बाहर से, अभी हम लोग नॉन इंफेक्शियस डिजीज के बारे में देखेंगे। ओके, अभी सबसे पहले चीज है, सबसे पहला जो डिजीज है यह कैंसर। अभी कैंसर में होता क्या है, कैंसर में क्या होता है, एक जो आपके बॉडी का सेल रहता है ये क्या होता है, अबनॉर्मली ग्रो होने स्टार्ट होता है, मतलब ये आपस में क्या करेगा, सेल डिवीजन करते जाएगा, करते जाएगा, और ये जो ग्रोथ है
ये क्या है, कंट्रोल्ड वे में नहीं होता है, ये इंक्रीज होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है। इसके कारण क्या होता है, आपके बॉडी में क्या होता है, लंप आता है, लंप आता है या फिर कुछ तो ग्रोथ रहता है। ये होता है क्या है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। या फिर इसका और एक मतलब क्या है, सेल म्यूटेशन से भी होता है, कि आपका सेल जब म्यूटेट होता है, मतलब एक डिफरेंट इसमें कन्वर्ट होता है, तब जाके भी कैंसर होता है। अभी ये दो चीज होते कैसे हैं? सबसे जो पहला जो चीज है, इसका मेन रीजन बताता हूं। इसका सबसे जो बहुत मतलब बहुत मेन रीजन क्या है, एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। और अभी के लिए जरूरत नहीं, मैं जब लिखने बोलेगा तभी लिखो। ये एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, अभी इसका क्या मतलब है कि सपोज आप कुछ यूरेनियम या फिर कोई न्यूक्लियर मटेरियल है, इसके जब पास में जाते हो तो आपके बॉडी में क्या होता है, सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। ये होता है क्यों है, क्योंकि ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रहता है, इसका एनर्जी जो रहता है, ये एनर्जी बहुत हाई रहता है। ये एनर्जी बहुत हाई रहने के कारण आपके सेल डिवीजन को क्या मिलता है, बहुत ज्यादा एनर्जी मिलता है, जिससे क्या होता है, आपके बॉडी क्या होता है, सेल डिवीजन करने स्टार्ट करता है। दूसरा जो है, ये दूसरे कौन सी चीज से फैलता है, स्ट्रेस। अभी स्ट्रेस जब आप बॉडी को देते हो तो आपके बॉडी को क्या करते हो, आप अननेचुरली क्या करते हो, ये करते हो, मतलब एज करते हो, जिससे क्या होता है, अननेचुरली जब आपका बॉडी एज होता है तो आपके बॉडी क्या करता है, सेल डिवीजन का कुछ कंट्रोल नहीं रहता है। तो जिससे क्या होता है, आपके बॉडी में अनकंट्रोल ग्रोथ आता है। तो अभी सबसे पहले चीज हम लोग जरा में लिखते हैं। तो फर्स्ट क्या है, कैंसर है क्या, अनकंट्रोल्ड एंड अबनॉर्मल सेल ग्रोथ इज कॉल्ड कैंसर। मतलब ये जो ग्रोथ ऑफ सेल्स है, ये नॉर्मल नहीं है, ये क्या होता है, एकदम ज्यादा इंक्रीज होता है, जिससे क्या होता है, आपके बॉडी में क्या होता है, लंप या फिर क्या आता है, ग्रोथ होता है। अभी ग्रोथ ऑफ, देखो अभी दो टाइप का ग्रोथ रहता है, ठीक है, ये लिख लेना, ग्रोथ दो टाइप का रहता है, एक रहता है बेनिंग ग्रोथ और दूसरा रहता है मैलिग्नेंट। अभी बेनिंग जो ग्रोथ रहता है, ये क्या होता है, मतलब कैसे बोल सकते हो इसको, मैलिग्नेंट मतलब रैपिड ग्रोथ रहता है, मैलिग्नेंट का मतलब क्या है, रैपिड ग्रोथ। बेनिंग का मतलब क्या है, ये ग्रोथ है ना, एक पॉइंट के बाद क्या होता है, स्टॉप होता है। बेनिंग ग्रोथ क्या होता है, अगर सपोज ये कुछ तो 1 मिलीमीटर का बना, इसके बाद क्या होता है, ये ग्रो नहीं होता है। लेकिन मैलिग्नेंट जो सेल्स रहते हैं, ये क्या रहता है, अगर इसका ये पार्ट में हुआ, ये दूसरे दूसरे पार्ट्स में जाके ग्रो होने स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, रैपिड ग्रोथ होता है, यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ नहीं होता है, ग्रोथ स्टॉप होता है। ग्रुप ऑफ कैंसरस सेल्स इज कॉल्ड ट्यूमर, ग्रुप ऑफ कैंसरस सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। अभी ये जो कैंसर है, कैंसर यूजुअली एक तो रहता है लंग कैंसर, और ये यूजुअली जो सिगरेट मतलब स्मोक करते हैं या फिर कोल इंडस्ट्री में जो काम करते हैं,
उनको ये होता है, बहुत हाई चांसेस रहता है लंग कैंसर का। दूसरा है ओरल कैंसर। अभी ओरल कैंसर यूजुअली कहाँ रहता है? हम लोग के माउथ या फिर थ्रोट में, मतलब ये दो पार्ट्स को ज्यादा गिनते हैं ओरल कैंसर में, माउथ या फिर थ्रोट केस में। नेक्स्ट जो है ये है ब्रेस्ट कैंसर। ये भी मतलब बहुत मतलब डेंजरस टाइप ऑफ है ब्रेस्ट कैंसर। ये लंग कैंसर भी बहुत डेंजरस है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट है स्किन कैंसर। अभी ये स्किन कैंसर होता कैसे है? आप अगर आपके स्किन को यूवी रेस के साथ एक्सपोज करते हो, सन के यूवी रेस के साथ, तब ये होता है। सन के जब यूवी रेस से आपके स्किन एक्सपोज होता है तो आपको स्किन कैंसर होने का चांस है। और सबसे जो मतलब डेंजरस फॉर्म, सबसे डेंजरस फॉर्म ये है ब्लड कैंसर, और इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकेमिया। ठीक है, ये एकदम डेंजरस रहता है ल्यूकेमिया। और दूसरा एक और है थैलेसीमिया करके, लेकिन अभी तुम लोगों को थैलेसीमिया अगले साल है, ये साल नहीं है। ये सबसे डेंजरस है ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर। सब कैंसर डेंजरस ही है, लेकिन इसमें डेथ होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है ये तीनों में। इसको भी आप हील कर सकते हो, लेकिन लंग कैंसर बहुत डेंजरस, मतलब आपका ब्रीदिंग का पूरा। स्किन में ना क्या होता मालूम है क्या? स्किन पे ग्रोथ आने स्टार्ट होता है, मतलब डिसकलरेशन, मतलब आपका स्किन अगर सपोज व्हाइट कलर रहेगा तो उसपे ब्राउन पैचेस सब आता है, तो ये स्किन का डिसकलरेशन होता है। या रीजन क्या है? इसके रीजंस बहुत सारे हैं, हम लोग फेसबुक के रीजन से स्टिक करते हैं। कंजम्पशन ऑफ टबैको, टबैको, गुटखा, ये सबके कारण होता है। फिर नेक्स्ट क्या है? ये यूजुअली आपके ओरल कैंसर में कंट्रीब्यूट करता है, ये ओरल कैंसर होने के लिए। ये नेक्स्ट क्या है? स्मोकिंग। स्मोकिंग करने से कौन सा कैंसर होता है? लंग कैंसर होता है। नेक्स्ट जो है लैक ऑफ फाइबर कंटेंट। अभी इसका क्या मतलब है? लैक ऑफ फाइबर कंटेंट का मतलब क्या है? कि आपके बॉडी में फाइबर जो इनटेक है ये कम है। फाइबर यूजुअली फैल मतलब मिलता है कैसे है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से मिलता है आपके बॉडी में फाइबर। तो अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत कम खाते हो तो उससे फैलने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। एंड नेक्स्ट क्या है? एंड एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ जंक फूड। अभी जंक फूड में क्या होता है मालूम है क्या? जंक फूड में क्या होता है? जंक फूड में यूजुअली जो भी इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि जो चिकन का जो पैटी रहता है, या फिर आपके जो पिज्जा में जो टॉपिंग्स रहता है चिकन का, ये क्या रहता है? प्रोसेस्ड फूड रहता है। अभी देखो प्रोसेस्ड फूड क्या रहता है मालूम है क्या? कि ये लोग क्या करते हैं, एनिमल का जो स्किन मतलब मीट जो रहता है इसको क्या करते हैं, 1 से 2 महीने तक क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं आर्टिफिशियल। इससे क्या होता है, ये जो है वो लोग केमिकल सब डालते हैं ताकि ये जो मीट है ये सड़ ना जाए। तो इसीलिए जंक फूड को क्या बोलते हैं, अवॉइड करने, क्योंकि जंक फूड यूजुअली जो टॉपिंग्स उसका रहता है ये क्या है, इससे बना रहता है, प्रोसेस्ड मीट से बना रहता है। तो जंक फूड जैसे कि पिज्जा, बर्गर। फिर नेक्स्ट क्या है? हेरिडिटरी भी रहता है, मतलब आपके रिलेटिव्स, रिलेटिव्स मतलब आपके कोई ग्रैंड पेरेंट्स या फिर आपके जो ओन रिलेटिव्स है उनमें से अगर किसी को ये डिजीज है
या फिर कैंसर है तो आपको भी होने का चांस रहता है. तो हेरिडिटरी इज ऑल्सो अ रीजन. हेरिडिटरी मतलब क्या? जीन्स. तो ये जेनेटिक डिजीज भी है, मतलब आपको शायद कोई बर्थ डिफेक्ट इससे भी हो सकता है, या फिर आपको कोई फैमिली मेंबर से भी ये मिल सकता है. नेक्स्ट क्या है? रीजंस लिख लिया सब लोग ने. हाँ लिखो. मेडल सिस्टम स्टार्ट करते हैं. अभी से मेडल सिस्टम स्टार्ट करते हैं. चलो अभी नेक्स्ट है सिम्टम्स. अभी सिम्टम्स क्या है? क्रॉनिक कफ होने लगता है. क्रॉनिक कफ का मतलब क्या है? ये कफ है ना, जाता नहीं, कंटिन्यूअसली रहता है आपके बॉडी में. मतलब कंटिन्यूअसली आप क्या करते हो? खांसते रहते हो. दूसरा क्या है? आपका जो वॉइस है ये क्या होता है? होर्स होता है. होर्स का मतलब क्या है? रफ वॉइस होता है. फिर डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग. मतलब आप कुछ भी, जैसे कि नॉर्मल जो फूड है उसको भी आप स्वॉलो करने का ट्राई करोगे, आपको आपके थ्रोट में थोड़ा पेन स्टार्ट होएगा. दूसरा क्या है? इसका जो एक और प्रॉब्लम क्या है, जब आप कफ करोगे तो आपके कफ में ब्लड आता है कभी कभी, तो ये सब प्रॉब्लम है. नेक्स्ट सिम्टम क्या है? इनक्योरेबल स्कार. मतलब अगर आप टेक्सटबुक में देखोगे तो आपको एक अच्छा एक इमेज दिखेगा, ठीक है? वो एक एग्जाम्पल है इनक्योरेबल स्कार. प्लीज टेक्स्ट बुक खोलो मत, आपको रात को नींद नहीं आएगा इसीलिए. हाँ फिर वो जो इमेज है, आप यूजुअली जो भी स्मोकिंग या फिर अगर आप कोई भी सिगरेट का पैकेट पे देखोगे तो आपको, वेरी गुड, एक नंबर, वार्निंग सुन लेना चाहिए था. तो ये इमेजेस आप कहाँ देखते हो? जब आप कोई भी मूवी के लिए जाते हो तो उसके पहले याद है, कोई तो एक ऐसे एक ये आता है, एड आता है, वो बंदे का नाम मैं भूल गया, मुकेश. हाँ मुकेश, मुकेश का एड आता है. तो मुकेश को जो है, जो कैंसर है वो कौन सा है? ओरल कैंसर है. तो ये फैलता कैसा है? स्मोकिंग और गुटखा के कारण. अभी इनक्योरेबल स्कार एंड इन्फ्लेमेशन. अभी ये इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन का मतलब है, इसको एक सिंपल स्वेलिंग लिखते हैं, स्वेलिंग. इन्फ्लेमेशन का सिंपल मीनिंग है स्वेलिंग. इनक्योरेबल स्कार, स्कार मतलब क्या? कोई वूंड रहता है आपके बॉडी में जो क्या है, कभी क्योर नहीं होता है, रहता है. मतलब एक दो साल होने के बाद भी आपके ऊपर वो स्कार रहेगा. नेक्स्ट जो है ये है लम्प इन, लम्प्स इन ब्रेस्ट. और जो फोर्थ है ये है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस. अभी नेचुरल है, अगर आप कुछ खा नहीं पाओगे तो आपके बॉडी में क्या होएगा? वेट लॉस तो होएगा, तो ये एक प्रॉब्लम. ठीक है, ये जरा लिख लो, फिर हम लोग इसके डायग्नोस्टिक्स के बारे में करेंगे. अभी जो नेक्स्ट है, इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? मतलब आपको कैंसर, आपका जो देखो कैंसर का जो सेल्स रहता है ये दो टाइप के रहते हैं. एक क्या है? बेनिंग ट्यूमर रहता है और दूसरा दो ट्यूमर रहता है मैलिग्नेंट रहता है. तो डायग्नोसिस से मालूम पड़ता है कि आपका जो ट्यूमर बेनिंग है या मैलिग्नेंट. अगर बेनिंग रहेगा तो क्या रहेगा? वो ज्यादा डेंजरस नहीं है, लेकिन मैलिग्नेंट रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम आता है.
तो डायग्नोसिस को हम लोग कैसे करते हैं? एक है सीटी स्कैन, दूसरा है एमआरआई स्कैन, एक और रहता है जो आप ज्यादा कभी सुना नहीं रहेगा, पीईटी स्कैन। अब ये पीईटी स्कैन में क्या होता है, आपको ब्लड मतलब ग्लूकोज का सॉल्यूशन आपको पीने को बोलता है। तो ग्लूकोज कहाँ पे जाता है? आपके बॉडी में जहां भी इंफेक्शन है वहां पे क्या होता है, ग्लूकोज जाता है। तो ग्लूकोज जाने से क्या होता है, आपको मालूम पड़ता है कि आपके बॉडी में कहाँ इंफेक्शन रहता है। तो पीईटी स्कैन में क्या होता है, सपोज आपका, सपोज ये बॉडी है, ठीक है, चलो मैं रैंडम ऐसे एक बॉडी बना रहा हूँ, हंसो मत। तो ये बॉडी में क्या क्या दो टाइप के सेल ग्रोथ दो टाइप के रहते हैं, एक बेनिंग ट्यूमर रहता है और दूसरा रहता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, ट्यूमर ट्यूमर TUMOR। जब आप पीईटी स्कैन करते हो आपको एक ग्लूकोज का फ्लूइड पीने बोलते हैं। तो सपोज ये ग्लूकोज का फ्लूइड सपोज आपके थ्रोट में है, मतलब इधर आके जमा हो रहा है, इसका मतलब आपको कौन सा कैंसर है, थ्रोट का कैंसर रहेगा। अगर ये इस एरिया में जा रहा है मतलब क्या है, आपको कौन सा टाइप का कैंसर रहेगा, लंग कैंसर। तो ये ग्लूकोज हेल्प करता है कि आपके बॉडी में इंफेक्शन कहाँ रहता है ये ढूंढने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, ये जाके वहां पे जमा हो जाता है, जिससे आपको मालूम पड़ता है कि आपको किसका प्रॉब्लम है करके। तो ये रहता है पीईटी स्कैन। तो पीईटी स्कैन आपने ज्यादा करके सुना नहीं रहेगा। नेक्स्ट रहता है मैमोग्राफी। अभी मैमोग्राफी में क्या होता है, आपका जो ब्रेस्ट का जो एरिया रहता है इसको क्या करते हैं, डॉक्टर लोग चेक करते हैं, मतलब कि वो ग्रोथ बहुत ज्यादा है या कम है। तो ये होता है मैमोग्राफी। ये जो है ये यूजुअली ब्रेस्ट कैंसर को चेक करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है इसका मतलब इसको क्योर कैसे करते हैं, दो टाइप का है। एक क्या है, कीमोथेरेपी। अभी कीमोथेरेपी में ये लोग क्या करते हैं, आपके बॉडी में रेडिएशन डालते हैं। मतलब सपोज अगर मैं वापस अपना प्यारा इंसान को बना रहा हूं, अगर सपोज आपके बॉडी में, सपोज चलो मैं लंग्स को ही बना देता हूं, चलो लंग्स कुछ ऐसे दिखेगा, प्लीज जरा हंसो मत। हाँ, तो लंग्स कुछ ऐसे दिखता है। तो सपोज आपके बॉडी में लंग कैंसर है और आपको मालूम है ये कुछ ये पार्ट पे है, तो कीमोथेरेपी में क्या करता है, आप इधर क्या करते हैं, तीन पॉइंट्स मार्क करते हैं और ये तीन पॉइंट में क्या करता है, रेडिएशन कंटिन्यूसली क्या करता है, पुटअप करता है। तो रेडिएशन पुटअप करने से क्या होता है, ये जो कैंसर वाला सेल से ये क्या होता है, मरने स्टार्ट होता है। और जो आपके जो बाकी के जो सेल्स से, जो इनफेक्टेड मतलब जिसको कैंसर नहीं है उसको क्या होता है, इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये होता है कीमोथेरेपी, इसको बोलते हैं रेडिएशन। फिर नेक्स्ट है सर्जरी, और ये जो सर्जरी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। अभी इसमें क्या होता है, आपके बॉडी में जो ट्यूमर रहता है इसको सर्जिकली ऑपरेट करके बाहर निकालते हैं। तो क्या करते हैं, सर्जिकली ऑपरेट करके। तो